धक्का मारे ने, धक्का मार के बाहर कढ के गड्डी चो, फिर उन्होंने फायर मारिया ने, उन्होंने पेट च लगा है, वो तो बाद फिर उन्होंने ब्रेस्ट मारिया ने। ईद के दूसरे रोज खून की होली खेली गई। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उसाव डिजिटल, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, ये लाहौर का इलाका शादरा है जहां पर ईद के दूसरे रोज़ खून की होली खेली गई। एक नौजवान जो कि घर में कुर्बानी कर रहा था, उसे नामालूम नंबर से कॉल आती है, वो घर से रवाना होता है कुछ दोस्तों के पास, उसके बाद फिर वहीं पे उसे एक और नामालूम नंबर से कॉल आती है, कुछ लोग आते हैं, उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, ले जाते हैं, उसके बाद घर वालों को इत्तला मिलती है कि आपके बेटे को फायर मारकर नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया है। ये सारा वाकया है। क्या मैं इस वक्त मकतूल के घर में मौजूद हूँ? 28 साल या 29 साल इस बच्चे की एज थी। उसके चचा मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि उसके वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, उसकी वालदा की कंडीशन शायद ऐसी नहीं है कि वो हमारे साथ बात कर सकें, तो इनसे जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये सारा वाकया है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपके इस गम में, दुख में उसाव की पूरी टीम बराबर की शरीक है, ये सारा वाकया क्या है? ये जी वाकया तुहानू अगे भी दस्या, अगे बयान किया है कि उन्हें कुरबानी कर रहा सी ते कोई कॉल आई है, तो उन्होंने नाल कोई होर दोस्त उन्होंने नाल रल के उन्होंने दस्या कि मैं एक कॉल आँदी है, मैं वो तो परेशान हाँ। उन्होंने नाल चला गया, उन्होंने दफ्तर च बैठा रहा, उत्थे बैठे बूठे रहने, उत्थे फिर कॉल उन्होंने आई है। उन्हें कहा यार तेनू कॉल किदी आउंदी? उन्हें कहा यार पता नहीं कौन ने, लेकिन मैनू आंदे ने कि सानू मिल कल्ला ही। तो उहदे दोस्त आंदे ने यार उन्हें इत्थे दफ्तर दे विच ही लाया जिहड़े भी हैगे ने, लेकिन उहदे तो बाद फिर उन्हें कॉल आई है। उन्हें कहा जी मैं फलां थां ते आ। उन्हें कहा असीं भी उत्थे पहुँच चले आ, तू उत्थे ही रही, तो असीं आ रहे हां, तो तू सानू आण के बाहर मिल, कल्ला ही मिल। वो फिर कल्ला ही उन्होंने कोल बाहर निकलिया है। वो दोस्तों ने उन्होंने मना किया है कि ना जा, तू उन्होंने इतें ही आन दे दफ्तर दे, लेकिन वो बाहर निकलिया, बाहर गड्डी आई है, उन्हें उन्हों अगे बिठाया ने, अगे बिठा के उन्होंने लै गए ने जिहड़े उहदे दोस्त ने। उन्हें एक बच्चे नूं आख्या बाहर निकल के वेख कमरान किधर गया है। उन्हें कहा जी वो उन्हां दी गड्डी च बह गया, तो फुल्लां वाले चौक ले चले गए ने। उहदे तों बाद फिर वो पता नहीं शेहूपुरे रोड थाणी आए ने बेगमकोट चौक ते, फिर वो अली हस्पताल है गया, उत्थे उन्होंने गड्डी उत्थे खिलारी है, उत्थे खड़े रहने वाहवा देर। उहदे तों बाद उत्थे बोतलां बूतलां भी उन्होंने उन्हें पियाईया ने, लेकिन ये वे कि कोई बंदा दसदा है कि कुछ 15-20 मिनट बाद उन्हें गड्डी चों धक्का मारिया ने, धिक्का मारिया जिस वेले ते धिक्का मार के ते उन्हें फायर मारिया ने पेट च लग्गा उन्हें फायर। उहदे तों बाद उन्हां नाल होया है, लेकिन उन्होंने फिर उन्होंने धक्का मारिया, तो फिर बाहर निकल के उन्होंने ब्रेस्ट मारिया, उत्थे ही उसकी डैथ हो गई। बस उस तो बाद फिर पुलिस आ गई है, लोग उत्थे आ गए ने, होर भी पुलिस वाले ने यही किया जी कोई नहीं इंशाल्लाह सी ये कार्रवाई करांगे, लभांगे, लेकिन हाले तक कुछ भी नहीं, हाले तक उन्होंने साढ़े नाल कोई राबता नहीं। ईद का दूसरा दिन था, कितने बजे आपके बच्चे को कॉल आती है कि आप आओ हमें मिलो? 10 बजे आती है कॉल, उन्होंने 10 बजे आई है, वो चले गए ने इतों, उन्होंने दफ्तर चले गए ने जिहड़े उहदे दोस्त लै गए ने। उहदे विच 10:30 बजे का वाकया जिस वेले कॉल आई है, 11:15 बजे का वाकया ये वे कि जदों उन्होंने फायर मारिया, जदों उन्होंने उरे लै आए ने दफ्तर के विचों फुल्लां वाले चौक चों फेर फूर के, फिर उन्होंने बेगमकोट चौक जिहड़ा आली हस्पताल है उहदे नाल लिया के उत्थे फिर उत्थे गल्लां गुल्लां करदे रहे ने, गल्लां करदियां करदियां बाद दे विच उन्हें धक्का मारिया ने, धक्का मार के बाहर कढ के गड्डी चों, फिर उन्होंने फायर मारिया ने, उन्होंने पेट च लगा है। उहदे तों बाद फिर उन्होंने ब्रेस्ट मारिया ने। ये बच्चा जिसे कत्ल किया गया, ये काम क्या करता था? ये काम जिमींदारी का करता सी, कोई अपना कोई मैं माल में ऐसी बेचता सी, वो उतों ईद ते वेच के आया है, घर आया है, घरों आन के पैसे घर रखे से 1,90,000 रुपया लैके भी नाल गया है, वो सिर्फ मोबाइल ही कोलगा सी, और कोई चीज़ नहीं निकली। बाज़ुकर सर ये भी होता है कि कुछ लेन देन का तनाज़ा होता है, या फिर ये होता है कि कोई तलख कलामी हो जाए, ये भी वजूहात होती हैं, कभी ऐसा हुआ है आपके बच्चे के साथ, या फिर उसने बताया हो कहीं कि उसकी किसी के साथ लड़ाई हुई है या कोई ऐसा मामला? लड़ाई तो अक्सर हो ही जाती है,
लेकिन जिहड़ी लड़ाई होई है उहदे नाल सुलह भी हो गई उहदी। तो जिहड़ा लैन देन का मामला, लैन देन का मामला उहदा किसी नाल नहीं सीगा। हाँ जी, तो वैसे आप लोगों को किसी पे कोई शक है उसके दोस्तों पे या फिर किसी पे के हो सकता है इन्होंने ये किया हो? देखो जी, हाले असी तो कुछ भी नहीं ना कह सकते, जिनी देर सानू पुलिस वाले जड़ी ये इनक्वायरी करके नहीं दसते। अक्सर जे लभना हो फिर पुलिस वाले अगे कोई मुश्किल तो नहीं ना काम हैगा, मुश्किल तो मुश्किल काम कर लेते हैं, लेकिन ये तो बड़ा ही आसान है। जब आपके बच्चे को फ़ोन कॉल आती थी तब उसका रिएक्शन कैसा होता था या फिर क्या होता था? वो जी वो दोस्त ही दसते हैं कि उस वक्त दे विच परेशान सी। तो असी उन्हें पूछा कि क्यों परेशान है, उन्हें कहा यार मैं कॉल आउंदियां ने इनकी वजह तो मैं परेशान हाँ। वो तो बाद फिर यही तुहानू दस्या ना कि गल कि वो जिस वेले थोड़ी देर हो गई सी कॉल आई नूं, फिर उन्हें आप कॉल की उन्होंने, तो उन्होंने कॉल की कि असी पहुँच गए हैं, तो तू जिथे गया ना मसल असी उत्थे पहुँच गए, तो तू बाहर आ जा तो कल्ला ही आ। वो फिर वो दोस्त आते रहने कि कल्ला ना जा, असी तेरे नाल जाने या तू उन्होंने इत्थे ही बुला लै। लेकिन वो बच्चा सी उन्होंने समझ नहीं आई हैगी कि मैनू जदों कह रहे कि मैनू कल्ला आ तो मैनू नहीं मिलना चाहिए उन्होंने कल्या। अगर जे उन्हें उन्होंने मिलना भी सी तो अपने घर इत्थे मिलता। इस वाक्या को दो तीन रोज़ गुजर चुके हैं, अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई अमल में लाई गई है? कोई उन्होंने कोई क्ल्यू दिया है कि हम मुलजमान तक पहुंच गए हैं या पहुंच जाएंगे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, उन्होंने हाले सानू कोई उन्होंने नहीं किया है कि असी मुलजम तक चले गए हैं या सानू कोई उदा कोई डाटा असी कढ़ाया है या कोई किसी किस्म का हाले सानू उन्होंने कोई पैगाम नहीं दिता। जदों असी उत्थे मैं थाने गया वहाँ, जदों लाश उहदी हस्पताल दे विच सी उस वेले SHO साहब सानू आंदे ने जी तुहाडा तफशीशी है ते ओह तुहाडे नाल करेगा। उहदे तों बाद फिर तफशीशी ने आख्या जी तुसीं सुबह 9-10 बजे आउणा, असीं सारी रात थाणे ही रहे, सानू किसी ने पुछ के छेड़ी ज़्यादा नहीं कीती हैगी। लेकिन उह सवेरे तफशीशी दे कोल उहने कहा जी तुसीं सुबह आओ, मैं कहा जी सुबह तो हो गई है, दिन तो चढ़ गया, हुण सारी रात असीं इत्थे लगे रहे हैं। लेकिन इह वे कि सानू इत्थे दिन चढ़ गया, हुण असीं घर जा के की करना, हुण घर जा के सौणा है, असीं साड़ी डड बैडी जी उत्थे पई है, तो तुसी हुण साडे नाल चलो, जिहड़ी कारवाई करनी है तुसी करो। उन्होंने सानू आ गई तुसी किसे दा नां लहाओ, फलां बंदे दा लहाओ फलां दा। मैं कहा जी असी नां नहीं किसे दा लहाउणा, क्योंकि सानू पता ही नहीं हैगा असी किसे दा नजायज़ ते नां नहीं ना लहाना हैगा। उहदे तों बाद जी फिर मैं उत्थे ही रहा वा, उहदे तों बाद फिर उन्हां नूं मैं नाल लै के उह परचा जिहड़ा सी नां मालूम परचा करवाया, उह नाल जा के फिर डड बैडी लिआए आ, उत्थों लिआ के ते फिर असी दफनाता। मकतूल का जो मोबाइल फ़ोन है वो पुलिस के पास है और उससे मुलजमान को ट्रेस करना बड़ा आसान आसान तरीन काम है। अब इनकी जानिब से तो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा दी गई है। अब हमारी तो दुआ है कि अल्लाह करे हमारी पुलिस मुलजमान को पकड़ ले, इन लोगों को इंसाफ मिल जाए। अब इनका जो बेटा फौत हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर इन्हें इंसाफ मिलता है तो हो सकता है कि ये सुकून की नींद सो सकें। ये यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, ये सारे इनके मोहल्लेदार हैं जो यहाँ पे ताज़ियत के लिए आए हुए हैं, इन लोगों को एहसास दिला रहे हैं कि दुख की तकलीफ़ की इस घड़ी में हम अब इनके साथ हैं। तो अपना अपने बच्चों का खुद ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।